और राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से तंग आ चुकी है और जनता ने मन बना रखा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से विधायक आ रहे हैं, केंद्र से मंत्री आ रहे हैं और राजस्थान में डेरा डाल रहे हैं, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, अन्य ये तो हमेशा से होता रहा है, तो यहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम उनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ हैं पुरजोर तरीके से हैं जो चल रही हैं, अन्य प्रदेश के विधायकों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो सर क्या कुछ इस तरीके का मायने है और आपकी एक नई जिम्मेदारी है, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? राजस्थान की हवा महल विधानसभा में प्रवासी विधायक के रूप में मेरे को लगाया गया है। 8 दिन मेरे को लगातार यहाँ पे विधानसभा में घूमते हुए हो गए हैं और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान के हालात कांग्रेस की सरकार में बहुत ख़राब हो चुके हैं। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे है, अपराध यहाँ पे चरम सीमा पे है, पेपर लीक वाला मामला यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, जो भी पेपर आता है तो पहले लीक हो जाता है, तो महिला अपराध यहाँ पे बहुत बड़ा है, किसानों के साथ जो वादे किए गए थे उनके कर्जा माफ़ी के वो नहीं निभाए गए हैं, युवाओं के साथ बेरोजगारी बड़ी है, तो ये सरकार किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है और राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से तंग आ चुकी है और जनता ने मन बना रखा है कि इस बार भाजपा की सरकार को लेके आएंगे। जी, हवा महल विधानसभा की आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आप उसको एनालाइज जब करते हैं तो क्या कुछ आप देखते हैं? हवा महल विधानसभा की यदि मैं बात करूँ तो हवा महल विधानसभा से जो यहाँ के विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं उनको लेके लोगों में बहुत आक्रोश है। उनके बेटे के ऊपर महिला अत्याचार का, बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। एक मीणा समाज के व्यक्ति ने, जिनकी ज़मीन पे वो कब्जा करना चाहते थे, उस व्यक्ति ने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया और उसने सुसाइड किया। हवा महल विधानसभा की यदि बात करें तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको वो समर्थन, खुला समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पलायन, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तो एक जो यहाँ के लोग हैं, वोटर हैं, और उनमें बहुत आक्रोश है और इस बार यह तय है कि हवा महल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो भारी मतों से विजयी होंगे। जी बिल्कुल, और राजस्थान में 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा करने जा रही है भाजपा, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि जो सरकार कांग्रेस की यहाँ चल रही है उसके खिलाफ़ पूरे राजस्थान में बहुत आक्रोश है और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से विधायक आ रहे हैं, केंद्र से मंत्री आ रहे हैं और राजस्थान में डेरा डाल रहे हैं, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, अन्य ये तो हमेशा से होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक या जो भी नेतागण होते हैं दूसरे राज्य में जाते हैं और हम लोग का प्रवास यहाँ पे कोई टिकट टिकटातियों का चयन करने का नहीं है। जो भी संगठन के काम है उसकी समीक्षा करना है, जो कुछ अच्छा यहाँ पे हो रहा है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, जो हम लोग अपने क्षेत्र में करते हैं उसको यहाँ बताते हैं, तो यहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम उनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रोहिताश गुप्ता। और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी भाजपा, क्या राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएगी? आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।